करण जौहर की फिल्म कलंक इन दिनों खूब चर्चा में है। हाल ही में फिल्म का टीजर फैंस के साथ शेयर किया गया था, जिसे फैंस का बेहतरीन रिस्पांस मिला। आपको बता दें कि इस फिल्म में वरुण धवन, आलिया भट्ट, संजय दत्त, माधुरी दीक्षित, सोनाक्षी सिन्हा और आदित्य रॉय कपूर मेन रोल्स में नजर आएंगे। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये स्टार्स इस फिल्म के लिए पहली पसंद नहीं थे, जी हाँ, दरअसल करण जौहर ने ये फिल्म आज से 15 साल पहले ही बनाना शुरू कर दी थी। इस फिल्म की कहानी उनके पिता यश जौहर के दिमाग की उपज थी और इसीलिए ये कहानी करण जौहर के दिल के बेहद करीब थी। करण जौहर ने फिल्म पर काम शुरू कर दिया और अपने चार चहेते स्टार्स को फिल्म का ऑफर भेजा था। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, काजोल और अजय देवगन पहली पसंद थे। लेकिन अजय और शाहरुख को एक साथ ला पाना काफी टेढ़ी खीर थी और फिर रिजल्ट यही हुआ कि ये फिल्म अटक गई। इसके बाद करण ने एक बार फिर से इस फिल्म के लिए आमिर खान को अप्रोच किया, लेकिन आमिर ने स्क्रिप्ट में बहुत सारे बदलाव मांगे, लेकिन करण इसके लिए तैयार नहीं हुए और ये फिल्म एक बार फिर से बंद हो गई। लेकिन अब फाइनली आलिया, वरुण, माधुरी, संजय, सोनाक्षी और आदित्य के साथ ये फिल्म बनकर तैयार है और इनकी ये फिल्म इस साल 17 अप्रैल को रिलीज हो रही है। बात करें इस फिल्म की, तो फिल्म के धमाकेदार पोस्टर के बाद इस फिल्म के टीजर में स्टार कास्ट का इंट्रो काफी शानदार तरीके से दिखाया गया, जिसे फैंस ने खूब पसंद किया। इस फिल्म की कहानी 40 के दशक को पर्दे पर दिखाएगी, जिसकी झलक हम इसके पोस्टर और इसके टीजर में देख भी चुके हैं। फिल्म में जबरदस्त लोकेशन और स्टार कास्ट के धमाकेदार डायलॉग भी रखे गए हैं, जिसे स्क्रीन पर देखना आपके लिए काफी मजेदार होने वाला है। लेकिन फिलहाल आप हमें ये बताइए कि अगर इस फिल्म में शाहरुख, अजय और काजोल होते, तब आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड होते। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।